हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम प्राची। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज आपके साथ में मैं बहुत ही चटपटी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, ये रेसिपी है भरवा बैंगन विथ आलू। सभी बच्चों को बैंगन पसंद नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए थोड़े बहुत आलू अगर आप डाल देंगे तो वो ग्रेवी के साथ उसे इंजॉय कर सकते हैं। अभी विंटर का जैसे सीजन चल रहा है तो बैंगन भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है ड्राई कोकोनट, सेसमी सीड्स एंड पीनट्स। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे बहुत सारे घरों में कोकोनट उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो आप लगभग 1 टीस्पून कोकोनट, 1 टीस्पून सेसमी सीड्स एंड लगभग 2 टेबलस्पून पीनट्स इस तरीके से ले सकते हो। जैसे आपकी फैमिली की टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से भून लेने के बाद में उसे आपको निकाल लेना है एक मिक्सी जार में एंड ठंडा होने का वेट कर लीजिए। जब तक हमारी भुनी हुई चीज़ें ठंडी हो रही है, तब तक ये देखिए मैंने छोटे से बैंगन ले लिए हैं। जो छोटे साइज़ के बैंगन होते हैं उनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उनकी डंडियाँ एंड साइड में जो थोड़ा पोर्शन होता है वो हमें कट कर लेना है। साथ ही में पानी का बाउल भी रखिएगा, क्योंकि बैंगन कट करने के बाद में तुरंत काले पड़ जाते हैं, तो काले ना पड़े इसके लिए हमें इसको तुरंत कट करने के बाद में पानी में डुबो के रखना है। तो इस तरीके से मैंने एक प्लस का साइन बना लिया है, पूरा नीचे तक जो है मैंने उनको कट कर दिया है। बस 2 पार्ट में उसे डिवाइड नहीं करना है हमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे ही बैंगन कट करेंगे तुरंत पानी में डुबो के रखिए। यहाँ पे हमारे भुनी हुई चीज़ें ठंडी हो गई है। यहाँ पे मैंने लगभग 1 टीस्पून जो है मसाला ऐड किया है, ये काला मसाला हम लोग जो घर पे बनाते हैं वही था। साथ ही में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, इसको मैंने जो है दरदरा सा पीसा है। बहुत फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है एंड बहुत मोटा मोटा भी नहीं पीसना है। बैंगन को मैंने यहाँ पे अभी जो फीलिंग करनी है, जो स्टफिंग भरनी है, उसके पहले टॉवल पे निकाल लिया है ताकि एक्सेस वाटर जो है उसके अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाए। पूरे ड्राई नहीं करनी है हमें बैंगन, थोड़े से गीले रहेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई हार्म नहीं है उसमें, या फिर अपनी रेसिपी में उसकी वजह से कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं आने वाला है। थोड़ा सा टॉवल ड्राई कर लीजिए। अच्छे से आपको यहाँ पे दबा दबा के ये जो फीलिंग है, स्टफिंग है, इसको भर लेना है। बहुत एक्सेस मत भरिए, एक्सेस भरेंगे तो फिर वो बाहर ही आनी है, राइट? तो अच्छे से आपको प्रेस करते हुए दोनों तरफ से जो है आपको ये कैविटीज में जो है फीलिंग भर लेनी है। सारे बैंगन में अच्छे से आपको स्टफिंग भरने के बाद में बची हुई स्टफिंग का भी हम लोग आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। आज जो है मैं इंस्टेंट वाला आपको ये जो वर्जन है इसका, लाइक भरा बैंगन का जो इंस्टेंट वर्जन है वो दिखा रही हूँ, इसलिए हम बनाएंगे कुकर में। आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैंने लगभग 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म होते ही एक बड़ा सा प्याज मैंने उसमें डाल दिया है। प्याज थोड़ा सा भून गया, फिर मैंने ऐड किया है राई, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर एंड ये गरम मसाला या फिर काला मसाला जो भी है आपके पास वो ऐड कर दीजिए। एंड ये जो भरी हुई, जो बची हुई हमारी स्टफिंग थी वो भी ऐड करके उसको जो है मैंने थोड़ा सा भून लिया है लगभग 30-40 सेकेंड के लिए। बाद में हमें इसमें पानी ऐड करना है ताकि मसाला जो है हमारा जले भी नहीं एंड चिपके भी नहीं तले को। बच्चों के हिसाब से मैंने थोड़ा सा आलू भी इसमें ऐड कर दिया है एंड नमक भी ऐड करना है यही पे स्वादानुसार। आलू को थोड़ा सा भून लीजिए ये मसाले के साथ में। मसाला काफ़ी ड्राई था तो मैंने पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है। अच्छे से पानी उबल चुका, बाहर जो है थोड़ी सी आप बोल सकते हो ऑयल जो है वो रिलीज़ होने लगा था ग्रेवी में से, उस टाइम पर मैंने ऐड किए हैं ये भरे हुए बैंगन। बैंगन को ऐड करने के बाद में आपको ग्रेवी को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, अदरवाइज़ क्या हो जाता है बैंगन की जो स्टफिंग है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बस इसी तरीके से इसको जो है हल्का हल्का आपको चला लेना है एंड बस कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। कुकर का ढक्कन लगाते ही आपको सिर्फ 2 सीटियाँ लेनी है, वो भी मीडियम फ्लेम पे।
जैसे ही दो सीटियां लग गई, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए एंड देखिए आपकी मस्त वाली ये जो भरवा बैंगन की रेसिपी है ये बनके तैयार है। बिल्कुल 10 मिनट्स में ये रेसिपी बन जाती है। आपको लग रहा होगा भूनना भी है, फिर स्टफिंग भी भरनी है, इतना सब 10 मिनट में कैसे होगा। आप रेसिपी बनाइएगा एंड फिर मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी 10 मिनट में बनी कि नहीं बनी। बहुत ही टेस्टी है। मैंने थोड़ा सा ग्रेवी बनाया है क्योंकि हम लोग इसे राइस के साथ एंजॉय करने वाले हैं। आप चपाती, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी किसी के भी साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। रेसिपी बनाइएगा एंड कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।